माना जाता है कि महाराज जी जब किसी भी अनन्य भक्त के जीवन में अपनी अनुभूतियां, अपने आभास उसे प्रेषित करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात किसी भी माध्यम की बाध्यताएं नहीं होती। ये सृष्टि सारा कार्य स्वयं ही कर देती है, या यूं कहा जाए कि महाराज जी इस सृष्टि को ही प्रयोग में ले लेते हैं। तो ऐसा ही अनुभव महाराज जी के साथ हम सभी का बढ़ते जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि महाराज जी के कोई भी आभास, कोई भी अनुभूतियाँ, कोई भी संस्करण आप तक पहुँच रहे हैं तो ये बेवजह नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जी से जुड़ना किसी भी प्रकार का कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो सोची समझी हुई योजना है जो कि महाराज जी के मस्तिष्क में क्रियान्वयन है। तो आज का जो ये क्रमांक है कुछ इसी संदर्भ पर आधारित होने वाला है कि यदि महाराज जी तक हमारी बात पहुंचती है और महाराज जी के जितने भी अनुभव, जितनी भी अनुभूतियां हमसे जुड़ रही हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना महाराज जी की काम करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को और जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता है। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के लिए मैं एक बात यहाँ पर रेखांकित करने के लिए कहूँगा कि यदि महाराज जी से आपका जुड़ाव किसी भी माध्यम से हो रहा है, चाहे वो माध्यम आधुनिकता का हो या आपकी अनुभूतियों का हो या आपके जीवन में आने वाली घटनाओं का हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है और ये माध्यम कभी भी किसी प्रकार से बाध्य नहीं है, ये सब कुछ एक योजना के अंतर्गत आता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये योजनाएं कौन तय करता है, हमारा महाराज जी से मिलना किस कारणवश हो पाता है, और जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं ये प्रयास सफल कैसे होते हैं, आज इन्हीं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि ये योजनाएं भला तय कौन करता है। देखिए, ये योजनाएं ना तो आप तय करते हैं, ना कोई भी अनन्य भक्त तय कर पाने में सक्षम भर है। ये सारी योजनाएं महाराज जी से होकर गुजरती हैं, अर्थात ये सारी योजनाएं तो महाराज जी के मस्तिष्क में है। आपके जीवन में महाराज जी की एक बात का भी प्रवेश करना महाराज जी की मर्जी से तय होता है। यहाँ पर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है कि आपके जीवन में महाराज जी आपसे जुड़ने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपका नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये प्रयास महाराज जी का जब आपके जीवन के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ा चमत्कार भी महाराज जी ही कर रहे हैं। देखिए, महाराज जी के अनन्य भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसा मेरा 100% विश्वास है कि एक दिन ये संपूर्ण विश्व महाराज जी की अनन्य भक्ति को प्राप्त करेगा। इसीलिए आप सभी को आज के इस क्रमांक के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूंगा कि कैसे ये सब कुछ कार्य कर रहा है। देखिए, आपके जीवन में महाराज जी चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े हों, जैसे बहुत से अनन्य दर्शक, बहुत से अनन्य भक्त एक बात कहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे संस्करण महाराज जी से संबंधित हम तक पहुंचते हैं, तो हमारे लिए तो यही माध्यम है, क्योंकि माध्यम कुछ भी हो सकता है। यदि महाराज जी के विषय में आपने अपने किसी मित्र से, किसी सगे संबंधी से सुना है तो ये माध्यम आपके वो हो जाते हैं। उसी प्रकार से यदि महाराज जी के संस्करण रोजाना आप सुन पा रहे हैं तो माध्यम ये है, निसंदेह यही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर माध्यम से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराज जी के जो संस्करण हैं, महाराज जी की जितनी भी अनुभूतियां हैं, यदि आप तक पहुंच रही हैं तो भाग्यवान आप हैं, आप बहुत ही भाग्यवान हैं, क्योंकि महाराज जी से जुड़ना अपने आप में आपके प्रारब्ध का, आपके भाग्य का पूरी तरह से परिवर्तित होने भर में शामिल है। इसीलिए कहा जाता है कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन स्वयं महाराज जी की मर्जी से होता है। और एक बात यहाँ पर अपने आप में प्रमाणिक हो जाती है कि यदि ऐसा है कि हमारे जीवन में महाराज जी के जुड़ने से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं तो एक कार्य हम सब क्यों नहीं करते। वो कार्य यह है कि हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी सैर सपाटे की योजनाएं बनाते हैं, घूमने की योजनाएं बनाते हैं, तो एक बार जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा प्रारब्ध भी महाराज जी बदलने में पूर्णतः सक्षम है तो क्यों ना
इसकी शुरुआत महाराज जी के धाम से की जाए। बहुत से अनन्य भक्त एक बात पूछते हैं, क्या महाराज जी के धामों में जाने से हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है? निसंदेह मैं इस बात को बहुत ही प्रमाणिक तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जब महाराज जी के धाम में कोई भी अनन्य भक्त पहुंचता है तो वो जाता तो अपनी मर्जी से है, वो जाता तो अपनी योजनाओं से है, लेकिन जब वहां से लौटता है तो महाराज जी की योजनाएं उसके जीवन में जुड़ जाती हैं, जो कि उसके पूरे जीवन को परिवर्तित करने में क्रियान्वयन हो जाती हैं। अर्थात आप जाते तो स्वयं बनकर हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो महाराज जी के अनन्य भक्त बनकर लौटते हैं। और ऐसा अनन्य भक्त जो महाराज जी से जुड़ा हुआ है, महाराज जी की अनुभूतियों का आभास कर रहा है, अपने जीवन में महाराज जी से जुड़ा हुआ है, किसी भी कारण वो महाराज जी को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। ये स्वतः ही होता है। यहाँ पर समर्पण का भाव आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि महाराज जी ऐसे अनन्य गुरु हैं जो कि अपने अनन्य भक्त को सन्मार्ग पर लाने के लिए उस अनन्य भक्त का पूरा हृदय परिवर्तित कर देते हैं। महाराज जी का एक अकाट वाक्य मैं इस बात पर जोड़ना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि हम शिष्य नहीं बनाते, हम भक्त बनाते हैं, और भक्त बनाने के लिए महाराज जी उस अनन्य भक्त का हृदय ही परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में नास्तिक प्रवृत्ति का है, अर्थात ईश्वर में आस्था ही नहीं है, उसे ईश्वर का बोध ही नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी महाराज जी ने अपने धाम में दर्शन देकर ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर किया है जहां से उन्हें कभी आभास ही नहीं था कि वो जीवन में आगे चल के कभी आस्थावान बन पाएंगे, ईश्वर के सानिध्य में जुड़ पाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो कि महाराज जी के धाम में जाकर महाराज जी की भक्ति को प्राप्त कर आज अपने जीवन में एक बहुत ही उच्च स्तर पर काबिज हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में जितना भी समय निकलता है, जितनी भी योजनाएं होती हैं, एक योजना महाराज जी के धाम के नाम पर, महाराज जी के कैंची धाम जाकर अपने भाग्य को परिवर्तित करने के लिए आपको अवश्य करनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे बहुत से हमारे अनन्य दर्शक हैं जो कि इस बात को किसी न किसी स्वरूप में, प्रतिक्रिया स्वरूप में, कमेंट बॉक्स में, प्रतिउत्तर के माध्यम से हम तक ये प्रेषित कर रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमें महाराज जी के धाम में जाने का मौका मिला। बहुत से अनन्य दर्शक हैं जो प्रतिक्रिया स्वरूप में बताते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वो महाराज जी के धाम के दर्शन कर पाने में सक्षम हो पाए। आज से पहले उन्हें इस बात का आभास नहीं था। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने इतना स्नेह दिया हमारे इस चैनल को कि आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय ही पूरी तरह से भर आता है। तो इसी स्नेह की मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखें ताकि महाराज जी से जुड़े हुए और भी अद्भुत अनुभव आप सभी के साथ हम साझा कर पाएं। और यही कहना चाहूंगा आज के इस क्रमांक के माध्यम से कि एक बार थोड़ा समय निकालकर महाराज जी के धाम में दर्शन करके अवश्य आइए। निसंदेह आप सभी का जीवन परिवर्तित होगा, आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।